Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, so let us start with the chapter first of class 9th, economics, the story of village Palampur. The story of village Palampur. In this chapter, we will discuss about the factors of production. So before start this topic, we have to I'll explain you a story. एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, लाइक जैसे एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो पालमपुर एक विलेज है जिसके बारे में एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, और इस स्टोरी के थ्रू आप जान पाओगे इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. एक पालमपुर विलेज है, एक बहुत छोटा सा एक विलेज है, और ये जो विलेज है ये बहुत सारे उसके आसपास के जो भी नेबरिंग टाउन्स हैं या स्टेट्स हैं, सॉरी नेबरिंग टाउन्स हैं या जो विलेजेस हैं उनके साथ ये वेल कनेक्टेड है. और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विलेज है जो इस विलेज से, पालमपुर विलेज से 3 किलोमीटर दूर है, और इस विलेज का नाम है रायगंज. So an all weather road connects the village to Raigunj and further on to the nearest small town of Shahpur. So ये सब पक्की सड़कें हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं जो रायगंज से कनेक्ट करती हैं. और एक और बहुत पास में ही एक और बहुत छोटा सा टाउन है शाहपुर जिससे ये कनेक्ट करती हैं. ये सब पक्की रोड. So many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies loaded with the jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So यहाँ पर जितनी भी ये जो मैंने भी बताया जैसे आपको कि ये जो आसपास के जितने भी villages हैं या जो वहाँ का एक बहुत बड़ा village है रायगंज, इन सब के साथ पक्की सड़कें जुड़ी हुई हैं और इन सड़कों के ऊपर बहुत सारे transport vehicles चलते हैं, जैसे कि bogies हैं जो कि जेगरी के साथ फुल, जेगरी मीन्स गुड़ इसके ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं. तो इस तरह से ये पूरा जो विलेज पालमपुर है ये इस तरह से रोड्स के साथ कनेक्टेड है. सो दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट एंड द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. सो इस विलेज के अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं, और ये 450 फैमिलीज जो हैं ये अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं. 450 में से 80 ऐसी फैमिलीज हैं जो अपर कास्ट हैं एंड ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और उनके पास खुद की जो है लैंड है इस विलेज के अंदर. देयर हाउसेस सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज, उनके हाउसेस बहुत बड़े हैं, ब्रिक और सीमेंट के बने हुए हैं. साथ ही साथ इस 450 में से कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो एससीज हैं, मींस दलित फैमिलीज हैं, और इस 450 की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एससी फैमिलीज की है जो इस विलेज के एक कॉर्नर से हिस्से में, एक अलग कॉर्नर पर जो है ये फैमिलीज रहती हैं. एक बहुत स्मॉलर से इनके हाउसेज हैं जो कि मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. इस पालमपुर विलेज में बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं, मतलब बिजली भी आती है उनके विलेज में. एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. इलेक्ट्रिसिटी का ये जो यूज़ है ये जो फील्ड्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनके लिए भी करते हैं. फील्ड्स में पानी देने के लिए ट्यूबवेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, पानी देने के लिए, इरीगेट देने के लिए वो इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ करते हैं. छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए भी बिजली का यूज़ किया जाता है. पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल हैं और एक जो है हाई स्कूल है. पालमपुर विलेज के अंदर एक गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये सारी स्टोरी जो है एक पालमपुर विलेज के बारे में आपको मैंने बताई, और इस विलेज से आप ये आइडिया लगा सकते हैं. इसमें ये बताया गया है कि ये पालमपुर विलेज जो है ये वेल डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम्स ऑफ रोड भी है, आसपास के
बात कर सकते हैं कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं और इन सब विलेजेस में लोगों की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। सो सबसे मेन एक्टिविटी जिस पर लोग काम करते हैं, फार्मिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है। सो फार्मिंग के अलावा और जो भी कोई एक्टिविटी है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, डेयरी, राइट, और फर्नीचर का काम करना, शॉपकीपिंग काम करना, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का यूज़ नहीं होता। जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं वो सब फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद नाउ विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी चीज़ चाहते हैं, हमें जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम प्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, और उसकी और उस प्रोडक्शन के लिए हमें इन चार फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, और इसके साथ कुछ अदर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड की हमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद है लेबर। लेबर मीन्स सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, एंड अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब लेबर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ पर आपको थोड़े अच्छे पढ़े लिखे जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है जो मैनुअली कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए उनको ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत ना हो। सो इसके लिए वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। सो इसलिए प्रोडक्शन के लिए जो सेकेंड हमारी रिक्वायरमेंट है वो होती है लेबर की। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो हमारी है फिजिकल कैपिटल, और इस फिजिकल कैपिटल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। नाउ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? दैट टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीन्स विच इज वेरी सिंपल टूल्स, और फार्मर्स इन सिंपल टूल्स को यूज करता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। सो वो जैसे जनरेटर्स का, टर्बाइंस का, कंप्यूटर्स का वो यूज़ करता है। सो ये जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनको वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के लिए अपने पास इन चीज़ों को रखता है ताकि वो इजीली प्रोडक्शन कर सके। सो इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए इन प्रोडक्शन इन टूल्स को परचेज करता है। सो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जिन चीज़ों को, जिन रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास मीन्स यूज़ किया जाए उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल। सेकेंड इसमें आता है वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स कैपिटल क्या है हमारा? टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। नाउ द सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर्स। जैसे कि वीवर्स हैं उनको कपड़ा बुनने के लिए क्या चाहिए? यार्न चाहिए, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। पॉटर जो है, जो घड़े बर्तन बनाने का काम करता है, उसको क्या चाहिए? क्ले चाहिए, जिससे वो अपने बर्तन बना सके। और इसी तरह से किसी भी प्रोडक्शन के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मनी के साथ हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है, उससे मनी रिक्वायरमेंट होती है, और अदर नेसेसरी आइटम्स को हम परचेज कर सकते हैं, तो उससे मनी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसलिए वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन, जैसे पॉटर जो है वो बर्तन बना रहा है, बर्तन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? मिट्टी चाहिए होगी ना, तो वो मिट्टी क्या है? वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या हम किसी भी चीज़ की पेमेंट करते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मनी की ज़रूरत होगी, तो वो मनी क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है। और ये जो मनी है वो इन हैंड होनी चाहिए। सो वर्किंग रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो है वो है वर्किंग कैपिटल, राइट। एंड द नेक्स्ट जो हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन बींग्स, जिनको नॉलेज है, जिनको ये पता है कि इन सब चीज़ों को कैसे कंबाइन करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। सो दिस इज अ मेन रिक्वायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल। सो इसके बाकी ये चारों क्या है आपके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी भी चीज़ की अगर कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है।
लैंड की, लेबर की, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, और वर्किंग कैपिटल में है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड एंड द ह्यूमन कैपिटल. सो अभी के लिए इतना ही. इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.